कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अब 2019 के पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलवामा में हुए इस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को भारतीय जनता पार्टी का फर्जी दावा करार दे डाला। कहा कि उनके पास अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं। जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने इतने लोगों को मारकर जवानों की मौत का बदला लिया, लेकिन इसका कोई सबूत ही नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र झूठ के सारे शासन कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देश हम सभी का है। रैली के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया, 2019 के आतंकी हमले को टाला जा सकता था अगर सीआरपीएफ पर हमला करने वाले वाहन की ठीक से जांच की जाती। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, पुलवामा आतंकवाद का केंद्र बन गया। इलाके में हर कार की जांच की जाती है, उस विशेष दिन स्कॉर्पियो की जांच क्यों नहीं की गई? एक वाहन गलत दिशा से आता क्यों है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा, अब तक घटना से संबंधित जानकारी संसद में नहीं दी गई और न ही लोगों को इसकी जानकारी है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद एक बड़ा विवाद छिड़ गया। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता की टिप्पणी को खुद से दूर रखते हुए कहा, यह उनकी निजी राय है, ये सबसे पुरानी पार्टी के रुख को नहीं दर्शाती। ट्विटर पर वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय हित में सभी सैन्य कार्रवाईयों का समर्थन किया है और समर्थन करना जारी रखेगी। दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं, कांग्रेस का इससे कोई वास्ता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल कांग्रेस के एक शीर्ष नेता द्वारा उड़ी और पुलवामा हमले के पीछे मोदी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद ये बयान आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव शेख मुस्तफा कमाल ने आरोप लगाया कि दोनों हमले केंद्र सरकार द्वारा सुनियोजित किए गए थे। कल शाम को 6:30 बजे मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया। जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिया था और जो प्रमाण मांगे थे, वो उनकी निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत व्यू है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है, हम मानते हैं और मानते रहेंगे कि राष्ट्रीय हित जो सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है वो जरूरी होती है। 2014 के पहले भी 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने जो कहा था, जिस संदर्भ में वो कहा था, वो उनकी निजी राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल नहीं। मगर सर, आप...